Hello students, in this video I am going to explain about velocity. मैं आपको इस वीडियो में velocity के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे हिंदी में वेग कहते हैं. वेग, ओके, आइए समझे. velocity यानी वेग. आइए सबसे पहले इसके डेफिनेशन पर नजर डालें. velocity इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम. पहले यहां तक समझे आप. वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम. ये यहां तक डिफिनेशन है, आप इसे समझे. वेलोसिटी यानी वेग के बारे में कहा जा रहा है कि यह डिस्प्लेसमेंट है. सबसे पहले तो ये आप जाने कि यह क्या है. डिस्प्लेसमेंट है. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट. देखिए लिखा है वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट. कुछ और नहीं सोचना है. सबसे पहले तो ये सोचना है कि वेलोसिटी है क्या. तो वेलोसिटी क्या है. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है. अगर आप जानना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, तो मैं वह भी आपको बताऊंगा अभी अभी जस्ट. तो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट. यह डिस्प्लेसमेंट है, और वो भी किस तरह का डिस्प्लेसमेंट. तो देखिए यहां लिखा हुआ है कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, यानी कि हर सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हर मिनट जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हर आवर जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चाहे वो हर सेकंड में हो, यानी कि एवरी सेकंड हो, या एवरी मिनट हो, या एवरी आवर हो, हर सेकंड, हर मिनट, हर आवर में जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी को कहते हैं वेलोसिटी. आइए जाने. जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, वो एक सेकंड में एक जगह से दूसरे जगह, एक सेकंड में पांच मीटर एक सेकंड में 5 मीटर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि हट जाता है. इसी का नाम है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि कोई चीज अपनी जगह से कितना हटा है, यानी अपनी जगह से, यानी अपने फर्स्ट पोजीशन से वह कितना दूर है. इसी का नाम है डिस्प्लेसमेंट. नाम ही से पता चल रहा होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वह अपनी जगह से कितना हटा है, ठीक है, यानी अपनी जगह से कितना दूर चला गया है. इसी का नाम है डिस्प्लेसमेंट. जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में अपनी जगह से 5 मीटर डिस्प्लेस हो गया है, यानी हट गया है. कितना, 5 मीटर. और कितने सेकंड में, एक सेकंड में. अब मान लीजिए फिर अगले एक सेकंड में, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर और वह डिस्प्लेस हो गया, मतलब 2 सेकंड्स में 10 मीटर हो गया. हो गया ना. फिर मान लीजिए कि फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में, मान लीजिए फिर अगेन 5 मीटर एक जगह से दूसरे जगह चला गया, तो 3 सेकंड्स में कितना हो गया, 3 सेकंड में 15 मीटर हो गया. हो गया ना. फिर मान लीजिए इसी तरह से 1 सेकंड में अगेन 5 मीटर अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो गया, ठीक है. तो आप क्या देख रहे हैं, आप बताइए आप क्या देख रहे हैं. आप देख रहे हैं कि पर सेकंड, यानी हर सेकंड में 5 मीटर अपनी जगह को छोड़ता जा रहा है, यानी अपनी जगह से डिस्प्लेस होता जा रहा है, हटता जा रहा है, ठीक है. तो पहली बात की जितना हटता जा रहा है उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. ये तो आप समझ गए. तो आप मगर पढ़ क्या रहे हैं इस वीडियो में, मतलब क्या जान रहे हैं, क्या सीख रहे हैं. आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं जानने जा रहे हैं, आप वेलोसिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है. तो अब आप यहां देखिए पर सेकंड वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, पर सेकंड 5 मीटर. तो इसी 5 मीटर को, इसी 5 मीटर को, यानी 5 मीटर पर सेकंड को वेलोसिटी कहते हैं.
समझ गए, यानी कि वेलोसिटी कितना हो गया, अगर कहा जाए, जान लीजिए वेलोसिटी को शॉर्ट में वी लिखते हैं, तो यहां पर वी इक्वल टू कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड का मतलब कि हर सेकंड में 5 मीटर अपनी जगह को छोड़ रहा है, इसी का नाम है वेलोसिटी। अब जरूरी नहीं है कि पर सेकंड हो, पर मीटर भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, यानी हर सेकंड जितना डिस्प्लेस हो रहा है तो वहां पर लिखेंगे पर सेकंड, अगर पर मीटर पर मिनट हो रहा है तो पर मीटर पर मिनट हो रहा है तो पर मिनट लिखेंगे, अगर पर आवर हो रहा है तो पर आवर लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप ये सोचिएगा कि यहाँ टोटल कितना सेकंड हुआ, 4 सेकंड, टोटल कितना सेकंड हुआ, अभी मैंने जो एग्जांपल आपके सामने रखा उसमें टोटल कितना है 4 सेकंड, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 20 मीटर, तो ऐसे भी सोचिए 4 सेकंड में 20 मीटर, 4 सेकंड में 20 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना हुआ, फिर वही 5 मीटर हुआ ना। इसी तरह से मान लीजिए, यहां तो मैंने 1 by 1 समझाया, ऐसे डायरेक्ट मैं आपको बताऊं कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो 10 सेकंड में यानी 10 सेकंड में 50 मीटर हटा है अपनी जगह से, 50 मीटर, 10 सेकंड में 50 मीटर, और पूछा गया वेलोसिटी क्या है, तो खुद सोचिए 10 मीटर में 50 मीटर 10 सेकंड में 10 सेकंड में 50 मीटर तो 1 सेकंड में कितना हुआ, निकाल लीजिए आप 1 सेकंड में, अब 5 से डिवाइड कीजिए 50 को, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 5 से 50 को डिवाइड कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि अगर नोटे 10 सेकंड में 50 मीटर तो 10 से जब 50 को डिवाइड कीजिए तो 5 आएगा, ठीक है, तो मींस क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, राइट, समझ गए। अगर 10 सेकंड में 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है और पूछा जाए वेलोसिटी कितना है, तो आपको बताना है कि पर सेकंड कितना हुआ, तो 10 सेकंड में 50 तो पर सेकंड में कितना हुआ 5 हुआ, तो 5 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, ओके। तो अब यहां देखिए आगे बढ़ें, लिखा है इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, यानी इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, ओके। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, या एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप जानना चाहते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां आपको लिंक मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी पे, ओके, उसे आप देख लेंगे और समझ जाएंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या है। एंड इट इज डिनोटेड बाई वी, यानी इसे वी से सूचित किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है डी बाई टी, डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड टी मीन्स टाइम। अब जैसे देखिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट 50 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है 50 एंड टाइम है 10, 50 मीटर एंड 10 सेकंड, तो बताइए वेलोसिटी कितना होगा, तो डिवाइड कर दीजिए 10 से 50 को डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो 5 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी, ओके। तो आप समझ गए, याद रखिएगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्टेंस कवर कर ले, हम उस डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी नहीं कहेंगे, बल्कि मालूम करेंगे कि 1 सेकंड में कितना हुआ है, समझा, 1 सेकंड में कितना हुआ है। अब जैसे फिर एक एग्जांपल दे, अगर मान लीजिए कि 20 सेकंड में 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, 20 सेकंड में 100 मीटर, तो 100 मीटर को हम नहीं कह देंगे वेलोसिटी, बल्कि देखेंगे कि 20 सेकंड में हुआ है तो 1 सेकंड में कितना हुआ, तो 20 सेकंड में 100, तो 1 सेकंड में 20 से 100 को डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 आएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड ये होगा वेलोसिटी। तो आई होप कि आपको वेलोसिटी के बारे में समझ में आ गया होगा, एंड अगर समझ में आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड आई वुड से टू यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।